हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम बहुत ही फेमस यानी कि प्रसिद्ध गर्मी की शिकंजी बनाएंगे। हम वही शिकंजी को जानते हैं जो नींबू के रस से बनाई जाती है, लेकिन आज हम शिकंजी दूध से बनाएंगे। हम यहाँ पे इंदौरी शिकंजी को उसी पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे जैसे वो बनती है। इसके बनाने का तरीका बहुत ही नायाब है, लेकिन बहुत ही सरल सा भी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही फेमस इंदौरी शिकंजी। हमने यहाँ पे 200 ग्राम दही लिया है, इसे जरा भी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो इस दही को अब हम चीज क्लॉथ में ट्रांसफर कर लेंगे। और इस तरीके से हम इसे दबाएंगे ताकि जो थोड़ा पानी है वो निकल जाए। अब हम चीज क्लॉथ को बांध देंगे अच्छे से और इसे हम नल की वहां पे टांग देंगे ताकि धीरे धीरे पानी जो है वो ड्रिप हो जाए। हमें दही में थोड़ी सी नमी रखनी है, हमें पूरी तरह से दही को ड्राई नहीं कर देना है, यानी कि उसमें से पूरी तरह से पानी नहीं निकालना है, बस थोड़ा सा पानी रहना चाहिए यानी कि नमी रहनी चाहिए। तो जब तक दही में से पानी निकलता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 लीटर भैंस का दूध लिया है, आप चाहो तो गाय का दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हम 1/4 कप शक्कर डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप अमूल फ्रेश क्रीम डाल लेंगे, क्योंकि दूध में क्रीमिनेस रहे और जल्दी से दूध गाढ़ा हो जाए, बहुत ज्यादा समय ना लगे। तो हम क्रीम को अच्छे से मिला देते हैं दूध में। हमने यहाँ पे क्रीम को अच्छे से मिला लिया है दूध में। अब गैस हम ऑन कर देंगे। हमें यहाँ पे मीडियम हाई के बीच में गर्म करना है दूध को। तो देखिए यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है और आप देख सकते हो इसके ऊपर एक पतली सी लेयर आनी शुरू हो गई है। तो हम विस्कर की सहायता से या चम्मच की सहायता से इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। हमें यहाँ पे मलाई नहीं बनानी है। अब हम दूध के अंदर 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई हरी इलायची डाल देंगे, इसे हम मिला लेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून केसर लिया है और 1/4 कप गरम दूध में डाल दिया है और अच्छे से मिला लिया है। तो इस केसर के दूध को भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम 2 चुटकी जायफल पाउडर डाल देंगे और 2 पतली जावित्री डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हम यहाँ पे गैस को यानी कि आंच को मीडियम हाई के बीच में ही रखना है और हमें यहाँ पे दूध को करीबन 25% तक कम करना है। हमें 50% तक नहीं कम करना है, तो मात्र 25% ही कम करेंगे हम इसे। और हमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि नियमित अंतराल पर इसे चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पे दूध 25% कम हो चुका है और इसे करीबन 20 से 25 मिनट का वक्त लगा है। तो दूध हमारा यहाँ तैयार हो चुका है, तो गैस को अब हम बंद कर देते हैं। हमने यहाँ पे बाउल पर छन्नी रखी है और इस दूध को हम छान लेंगे। दूध के अंदर काफी अच्छा फ्लेवर आ चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो दूध को हमने अच्छे से छान लिया है और इसे अब हम हटा देंगे। तो इस गर्मा गर्म शिकंजी को हम ठंडा होने रख देंगे फ्रिज में। हमें करीबन 3 से 4 घंटे इसे फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए। तो हंग दही तैयार हो चुकी है, इसे करीबन 2 घंटे का वक्त लगा है और 2 घंटे बाद हमने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि अगर ये बाहर रहेगा तो ये खट्टापन इसमें आ जाएगा, इसलिए हमने 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखा था। अभी ये दही थोड़ी सी ड्राई सी लग रही है। इसमें हम 1/4 टीस्पून कुटा हुआ इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून शक्कर का पाउडर डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे और हमें इसे तब तक मिलाते रहना है जब तक ये मुलायम सा ना हो जाए। हमें इसे 10 मिनट तक फेंटते रहना है। तो देखिए ये मुलायम सा हो चुका है और बहुत ही क्रीमी सा हो चुका है। किसी कारणवश अगर ये दही मुलायम ना हो तो इसमें आप 1.5 टेबलस्पून पका हुआ दूध डाल सकते हो,
और अच्छे से इसे मिला के मुलायम बना लें। तो यहाँ पे माठा तैयार हो चुका है। अगर आप ये दही के प्रोसेस को स्किप करना चाहती हो, यानी कि आप नहीं चाहती हो कि ये दही का प्रोसेस आप करें, तो आप दुकान से रेडीमेड श्रीखंड लेकर आ सकते हो, चाहे फिर वो इलायची का फ्लेवर हो या फिर केसर फ्लेवर हो। तो यहाँ पे श्रीखंड तैयार हो चुका है और आप देख सकते हो दूध भी ठंडा हो चुका है। हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है। आप देख सकते हो दूध की जो ऊपरी लेयर है काफ़ी गाढ़ी सी हो चुकी है। तो इसे अब हम अच्छे से मिला लेते हैं, यानी कि फेंट लेते हैं। हमने यहाँ पे ग्लास लिया है, इसके अंदर हम श्रीखंड डाल देते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि काजू है, बादाम है, किशमिश है। तो हम इसमें किशमिश, बादाम और काजू डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी शिकंजी डाल देंगे और श्रीखंड के साथ हम अच्छे से इसे मिला लेंगे और फिर से हम शिकंजी डाल के अच्छे से इसे फेंट लेंगे। तो इंदौरी शिकंजी तैयार हो चुकी है, इसे हम ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। आप चाहो तो श्रीखंड को डायरेक्टली शिकंजी में डाल के मिला सकते हो और फिर फ्रिज में रख सकते हो। और जब भी आपको शिकंजी पीनी हो तो ग्लास के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और शिकंजी डाल दीजिए। तो अब हम इंदौरी शिकंजी को बादाम से सजा लेते हैं और थोड़े से केसर से। तो ये शानदार, लजीज और स्वादिष्ट ओरिजिनल तरीके से बनाया गया इंदौरी शिकंजी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मुंगली फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।